तो शुक्रिया भाई लोग एक और प्रैक्टिस रूम ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सारे प्लेयर लॉबी में हैं और देखते हैं। फिलहाल फिर से मैं प्रेडिक्शन लेता हूँ अपने भाई से। तो शाकर भाई फिर से आपका बताइए। मुझे लगता है इस बार जोन बनेगा राइट हैंड साइड में। चलिए देखते हैं आपके प्रेडिक्शन देखते। तो आज विनर क्या लगता है आपको? टॉप थ्री टीम बता दीजिए। आज की टीम टॉप तो ये प्रॉपर स्क्वाड जो हमेशा अपने कस्टम रूम में खेलते हैं, ये टीम एनएक्स वाले, गॉड वाले की भी एक है प्रॉपर स्क्वाड, ब्लैक वाले की प्रॉपर स्क्वाड है, प्लैनेट वाले प्रॉपर है। तो आपको कौन लग रहा है टॉप में आने की उम्मीद है? गॉड वाले आएंगे इस बार? गॉड वाले तो पक्का आएंगे, उनको टक्कर देने के लिए ये भी आएंगे। मुझे मॉडल वाली जो स्क्वाड टीम है लग रही है वो भी, मुझे तो टॉप थ्री में लगी रही है। हाँ वो टीम, वो और गॉड मुझे लगी रही आएगी। आप अपनी अपनी खुद की टीम में भूल रहे हैं। एचके तो है ही यार। एचके की आज एचके का मुझे पूरा प्रॉपर लाइनअप नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं आज थोड़ा बाहर रुकना उठाना। तो प्लेन बात तो देखिए सेंटर से ही है फिलहाल। फिलहाल तो सेंटर में ही है और कोचिंग की पब्लिक जॉर्जो और नोवा। मिलिट्री भी जाएगी आई गेस, मिलिट्री भी पब्लिक जाएगी। नोवा तो थोड़ा दूर हो जाएगा, ये ड्रॉप, ये हॉटस्पॉट पे कोई जाएगा नहीं। ओ जॉर्जो भी कोई नहीं जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा दूर है। हाँ जॉर्जो भी नहीं जाएगा। यासनाए पे बहुत स्क्वाड जा सकती है। शेल्टन का सोलो बंदा खेल रहा है, उतर गया। यासनाए शायद जाएंगी, रोजोक भी, स्कूल भी पब्लिक प्रेफर करेगी। कोचिंग की तो जाएगी। एचके की एक उतर गया, एचके वाले शायद यासनाए जा रहे हैं। मुझे एचके गब्बर देखना है कहाँ जा रहे हैं। ये यासनाया, ये शायद प्लेनेट वाले हैं ना। एक्सपी एचके की दूसरी टीम कोचिंग की जा रही है। कोचिंग की एरर भी आई के वाले एरर ही है शायद, देखते हैं। फिलहाल सारे टीम तो उतर रही है। यासनाया शायद कोई नहीं आया एचके वाले के साथ ना? नहीं वो कहीं और ही जा रहे हैं। यासनाया भी नहीं जा रहे हैं। यासना जाना चाहिए था क्योंकि यासना कोई नहीं गया, तो उनको नहीं पता होगा। गब्बर कहाँ उतर है? गब्बर किधर पानी में जा रहे हैं। अच्छा वो स्विमिंग करके जाए। आज गार्डन का भी एक स्क्वाड है पूरा। हाँ वो तो पूरा उनका प्रॉपर लाइनअप खेल रहा है आज। कहाँ जा रहे गार्डन? कराडियंस किधर अलग ही जा रहे। फिलहाल देखते हैं कहाँ ड्रॉप लेंगे। कोई अर्ली फाइट तो नहीं दिख रही है फिलहाल हमें मैप में। फिलहाल तो नहीं होगी अर्ली फाइट, तो शायद मिलिट्री भी जा रही है। रोहित शक्के का अपना प्रो प्लेयर जा रहा है। कोचिंग की मैं एचके का दो स्क्वाड है ना, प्लेनेट और एचके। टीम नंबर 25, टीम नंबर 11 ब्लैक दो उसको, और टीम नंबर 10 प्लैनेट वाली भी है यहाँ। हाँ वही मैं बोला, और गॉड वाली भी है। चार स्क्वाड है, चार स्क्वाड प्लैनेट एंड अपना एचके वीआईके का स्क्वाड। ये तो यहीं पे फाइट हो गया शायद गॉड वालों का और ब्लैक वालों का। साउंड तो आ गया होगा उनको, एक बंदा है घर में गॉड सौरभ। आज थोड़ा डैमेज है प्लैनेट वालों ने। प्लैनेट वालों ने शायद दिया, उन लोग का सैंडविच हो गया एक्चुअली। अभी यहाँ पे कौन निकलता है वो डिफिकल्ट, अब देखते हैं। हाँ गॉड वाले का तो सैंडविच हो गया, सब साइड से बंदे उनको मारेंगे। देखते हैं फिलहाल, मुझे नहीं लग रहा किसी घर इतनी अच्छी मिल रही है। टॉप पे वो उनको भी थोड़ा टैग किया है शायद, क्योंकि आगे ब्लैक वालों ने मारा है। और वैभव ने गॉड को मार दिया, एचके के वैभव ने गॉड के एक बंदे को नॉक। गॉड वाले यहाँ पे पूरा सैंडविच हो चुके क्योंकि उनको हर साइड से पड़ रही है। ये गॉड अल्ट्रॉन कार 98 स्पेशलिस्ट है, ये टीडीएम में आपने खेला हुआ? हाँ, है खेला हुआ मैं इसके साथ, बाप मारता करना। अब मुझे लग रहा है सबको पता है गॉड का एक बंदा नॉकआउट है, तो अब गॉड वाले थोड़ा डिफिकल्टी है। और एक बंदा वीआईके ने नॉक किया गॉड देविल को यहाँ पे। अभी गॉड तो थोड़ा डिफिकल्ट है उनका, गॉड अल्ट्रॉन दो बंदे नॉक हो गए उनके, दो बंदे नॉक है। डेविल तो शायद किल हो जाएंगे अब तो। ऐसे अब एचके वाले इनके ऊपर भी पुश करेंगे, लेकिन एचके को पता रहना चाहिए और भी स्क्वाड है, थर्ड पार्टी हो सकते हैं। वीआईको को भी टैग किया उन्होंने। इनको गन्स तो मिल गई है क्योंकि मैं देख रहा था एके के शॉट दे रहा था कोई, अभी वहाँ उनके पास स्कारल थी। हमारे कॉनकरर प्लेयर और आदि एक और आदि कड़क फाइट ले रहे हैं। गॉड सौरभ ने आदि को नॉक किया और पीछे से विक्रम ने गॉड सौरभ को नॉक किया और बता रहे विक्रम पीछे से सचिन ने विक्रम को नॉक किया। ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है एचके के लिए। वैभव ने पहले रिवाइव देने का सोचा, एक ही बंदा, लेकिन सचिन ने पुश किया वैभव क्या कर रहे हो। और ये वैभव ने कड़क निकाला। चलो यहाँ पे गॉड वाले आज पहले ही निकल गए। कोई नहीं, कोई अपना प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया एक्चुअली। कोई नहीं, कोई नहीं, कभी कभार होता है। लेकिन अभी एचके को पता होना चाहिए काफी स्क्वाड है उनके ऊपर, अभी थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबको साउंड तो आ गया होगा। एक स्क्वाड वाइप होगी पता चल गया होगा। देखो प्लैनेट वाले आ रहे हैं, यही मैं बोल रहा था अभी, प्लैनेट वालों को पता चल गया एक स्क्वाड वाइप होगी। ये
प्लैनेट का एक बंदा नहीं, चारों जिंदा अभी तक। नहीं, ये सामने ही अर्थ है, प्लैनेट अर्थ भी है, कड़क खेलते हैं प्लैनेट अर्थ। वही अब उनको एक तो पता चल गया एक स्क्वाड वाइप है, वो अभी थर्ड पार्टी कर सकते हैं। और ये रूफ में कड़क स्ट्रेटेजी देखो इनकी, वो एक ब्लैक वाले कहाँ पे। और ये मुझे एचके वाले थोड़े मुश्किल में लग रहे हैं, उनके से अभी सबकी हेल्थ भी बहुत कम है। ये फिलहाल बैंडेज नहीं, ड्रिंक ले रहे हैं। बट वैभव ने आदि के पास मेड ही नहीं है बेचारा, आदि हेलमेट नहीं है हमारे। ये भी एक प्रो प्लेयर ही है, और विक्रम हमारे कॉन्करर प्लेयर नॉक हो गए वही अब विक्रम से। ये एचके वालों के लिए थोड़ी, और प्लेनेट वालों ने भी दो दो के बंदे में आ गए, दो दो रोटेट है। और ये विनस घुस गया घर में, घुस गया लेकिन ये थोड़ा गलत किया, अकेले नहीं घुसा। और एक कड़क और मार दिया भाई पीछे से, और तो और उन्होंने कड़क पाव पाव उनको फिनिश शायद राइड में बंदे पता नहीं। अरे यहाँ पे एक और बंदे नॉक हो गए, आधी भी फिनिश। और ये हमारे एच के की मुझे और एक बंदा नहीं दिख रहा है, खत्म। नहीं नहीं एक कोई बंदा जिंदा है, शायद वैभव जिंदा थे, वैभव जिंदा थे। फिनिश आ गया वैभव, फिनिश पूरा एच के खत्म। प्लैनेट वाले ने कड़क निकाला, उन्होंने पहले फाइट नहीं ली, बाद में उनको पता था कि एचके वाले अभी थोड़ा डैमेज रहेंगे इसलिए थर्ड पार्टी करके कड़क निकाला ये वाला। मेरे को ब्लैक का स्क्वाड नहीं दिख रहा पूरा कोचिंग की, मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ ब्लैक वालों का। शायद उन्होंने फॉल बैक कर दिया होगा तीन चार स्क्वाड देख के। ठीक है कोचिंग की तो फाइट खत्म हो गई कड़क। प्लैनेट वालों ने यहाँ पे सही किया, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखा पहले फाइट जाने के। ये रहे ब्लैक वाले, हाँ उन्होंने चार स्कॉट देके अच्छा किया उन्होंने फॉल बैक करने के लिए। यहाँ पे रोहित मुझे यहाँ मिलिट्री पे दिख रहे हैं। कुछ नहीं मिलिट्री में अकेले लूट रहे हैं, आराम से लूटिए बाद में। हमारे किलर वाइटी ने एचके किलर वाइटी को नॉक किया नेट से। अच्छा खुद के नेट से नॉक हो गए, खुद के नेट से खुद को नॉक किया, लगता है कुछ खेल के कर रहे रहेंगे यहाँ पे। और इनके आजू बाजू कुछ था, अरे नहीं थे यहाँ पे फाइट हो रही है, फाइट हो रही है। मुझे लगा इसे टाइम पास में नहीं कर। एक्सपीजी वालों ने टाइटन ने नॉक किया ना, नहीं खलनायक ने नॉक किया एक बंदे को, कड़क का खलनायक के होते वक्त टीम को। लेकिन इनके पास हेलमेट नहीं अभी फिलहाल, फिलहाल नहीं है, बिना हेलमेट के भी ये प्रो है, उनको हेलमेट की जरूरत नहीं होती। इन्होंने अच्छा कवर दिया, ऊपर ही एक बंदा है शायद, और महाकाल भी है पीछे। मुझे लग रहा है महाकाल घुस जाएंगे, महाकाल घुस गए, खलनायक भी घुसे। अरे लेकिन महाकाल नॉक हो गए, महाकाल नॉक हो गए इनको थोड़ा जल्दी विक्रम। अरे चलो कर लेंगे एक नॉक कर देना। और एक है खलनायक, और एक है खलनायक राइट में। नहीं खत्म हो गए क्या, खत्म हो गए, खत्म हो गए। कड़क भाई खलनायक, कड़क भाई आपने कड़क बोला था खलनायक को हेलमेट की जरूरत नहीं है। महाकाल को तो देखा नहीं अंदर घुस गया, लेकिन खलनायक ने बचा लिया उनको। खलनायक है ही वैसे प्लेयर, हाँ वो तो है। ये आज हमारे टीएनटी टाइटन खेल रहे हैं, थाईलैंड से खेल रही है। अरे वाह फॉरेन प्लेयर भी हमारे लिए नहीं है, इंडियन ही फिलहाल फॉरेन गए। चलो एक फाइट तो निकाल लिया जज के वाले ने, एक और फाइट बंदा नहीं शायद, कुछ नहीं नहीं, नहीं है बंदे, चार नंबर की टीम है इनके आजू बाजू में एनओसी वाले, इनकी प्रॉपर गार्डियन वालों के साथ। देखते हैं अब यहाँ पे ये निकाल पाते हैं नहीं। और ये गार्डियंस का मैं देखता हूँ कि एक बंदा कोई लेफ्ट से अगर फ्लैंक करे तो थोड़ा इनको फायदा हो सकता है। इसमें से अतुल कौन सा? रोनन, रोनन रोनन वो तो मस्त ऊपर से एंगल बना रहे। ये भी एक हमारे घर पे, ये कार इंडियन काफी से चलाते हैं, इनको मिल गई है देखते हैं अभी। अरे कार 98 नेड अच्छा कोई फेंक रहा है। यहाँ पे एक बंदे को लेफ्ट जाना चाहिए थोड़ा, क्योंकि एनओसी का क्लैन अच्छा है, सामने से ये पुश नहीं कर सकते। एक ही 2x नहीं, कार 98 गार्डियन के डॉक्टर है एक्स, थोड़ा राइट में फ्लैंक मार देते हैं। राइट से फ्लैंक ओपन में नहीं लेना चाहता, लेफ्ट से जाना चाहिए। हां लेफ्ट थोड़ा आपको बेटर होता। अब मुझे नहीं लगता एनओसी वाले उनको रिवाइव होने देंगे, अभी तो ये बहुत मुश्किल है। हां क्योंकि ओपन में इतना आप नॉक हो गए हो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और एक्चुअली नहीं 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 जाना चाहिए, अभी ये ग्रूट भी नॉक हो सकते हैं यहां पे। चलो फिलहाल तो बचा लिया। ये कॉस्मो को यहाँ से शॉट्स लेने चाहिए थे, हाँ थोड़ा बैकअप देना चाहिए था उनको। दे रहे कवर फायर तो दे रहे, कवर फायर तो दे रहे, अच्छा कर रहे फिलहाल। चलो कम से कम ड्रैग्स तो रिवाइव हो गए, हो गए रिवाइव हो गए। और ये यहाँ पे अच्छा गया स्मोक करके उन्होंने,
कंफ्यूज किया क्रोनिक एनओसी के, क्रोनिक ने कड़क राइट वाला फ्लैंक मारा और डॉक्टर मुझे लगा ड्रैग्स वहां पे नॉक हो सकते हैं, तीनों बंदे भाई रोड क्रॉस कर लिया उन्होंने स्मोक वॉल बना के, और इन्होंने गार्ड रेडियन वालों ने भी स्मोक वॉल बनाया। अभी भी गार्डन का एक बंदा लेफ्ट जा सकता है, वो काफ़ी अच्छा होगा उनको। मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे फिर से ड्रैग्स नॉक हो सकते हैं क्योंकि तीन बंदे हैं, इन्होंने भी कर सकते हैं। हाँ वो भी हो सकता है, इन्होंने भी तो ऊपर में पुश कर दिया है, ग्रूट और रोनन दिख रहे हैं मेरे को थोड़ा ज़्यादा। नहीं कवर है, वॉल का कवर है, पर ये राइट से क्रोनिक ले सकते हैं लेकिन वहाँ पे शायद वो ड्रैग्स को स्पॉट हो सकता है, फिलहाल तो कोई फाइट नहीं है। नहीं वो फाइट नहीं है, ये सुन लिया उन लोगों। हाँ ये थोड़ा ठीक है, कवर होगा एनओसी वाले एक घर में फिलहाल, वो अगर यहाँ पे कोई, लेकिन नेट्स तो नहीं होंगे उनके पास। अभी पीछे से कोई बंदे आ गए, दूर है क्या? दूर है वो आ रहे, इनके पास ही आ रहे शॉर्ट्स दोनों पार्टी ले रहे, देखते हैं कौन नॉक होगा। अभी यहाँ पे एक नेट को क्लोजिंग कर रहे हैं एक-एक करके, और यहाँ पे ड्रैग्स थोड़ा अच्छा कर सकते हैं कि पीछे से अगर कवर फायर दे थोड़ा और आगे आएंगे ना शैक के इधर आ जाए तो एक, क्योंकि इन लोग का सब ध्यान ये तीनों पे अभी फिलहाल, देखते हैं फिलहाल ड्रैग्स क्या करते हैं कड़क। यही मैं बता, यहाँ पे नेट्स अगर होंगे तो करते रहना चाहिए क्योंकि थोड़ा डैमेज देंगे तो पुश करने में ईजी होता है। वो भी भाई एनओसी वाले तो अच्छी क्लैन तो अच्छी है, कॉस्मो थोड़ी मुश्किल में लग रहे हैं मेरे को, लेकिन फिलहाल नहीं जब तक कवर में, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता रोड कवर करके कोई मारने जाएगा। और रिवाइव यहाँ से नॉक होंगे तो रिवाइव मिल सकता है, कवर फायर भी मिल सकता है। हाँ ये सही किया, हाँ ये दो के डिवाइड करके बहुत सही किया, इसको बोलते हैं। लेकिन अभी इनको फुटस्टेप, ये एनओसी का, ये बंदे ने भी स्पॉट कर लिया, लेकिन फिर भी ठीक है। और रोहन को अभी थोड़ा राइट आना चाहिए, रोहन मार सकता है, मार सकता है, रोनन को आइडिया नहीं, एक्चुअली लोग ने गलती की थी, चारों बंदे एक जगह आके गलती कर रहे हैं अभी फिर से, रोनन को वही स्पॉट पकड़े रहना चाहिए। देखते हैं फिलहाल, इंटेंस काफी इंटेंस फाइट है। अरे ग्रूट नॉक किया, कड़क नेट डाला बंदे ने, नेट से नॉक किया ना, हां नेट से किया। अभी फिलहाल तो गार्डन रोल को होल्ड ही करना चाहिए, चारों बंदे एक जगह आके फिर से, इसको आप भी ले सकते हैं गार्डन रोहन और कॉस्मो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी इनको कवर फायर तो देना चाहिए ना, एक दो नॉक फिर रोनन अकेला जिंदा है गाइस। नहीं रोनन और रोनन अभी ग्रुप चारों जिंदा है सिर्फ, एक्चुअली एनओसी के एक ही बंदा जिंदा है, मुझे लग रहा है वो एनओसी भी गया। वो कैसे मरा? गया उसने भी पोस्ट किया जल्दी से, चलो गार्डन वालों ने एक शॉट, चलो यहाँ पे अच्छी फाइट निकली। वो वही प्रॉब्लम हो गई, वो चार बंदे के सामने दो बंदे आ गए ना तो कवर फायर अच्छा मिल गया वहाँ पे। यहाँ पे स्विमिंग के मजे लेते हुए मैच पे केबी वाले, हमारी एचके की क्लैन, ऑलरेडी 2 किल हो चुके हैं इनके। अरे तो देखो उनका 3x UMP 9, उनके बारे में क्या बोले भाई, उनकी कैपेबिलिटी पे तो कोई डाउट नहीं है। महाकाल के जीरो के लिए आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं कि 5 मिनट हो गया मैच के और महाकाल बॉट नहीं होते ना नहीं वो इसलिए अभी वो किल के लिए पीछे जा रहे होंगे, लेकिन महाकाल कार 98 बहुत सही चला था, कोई भी बोल्ट एक्शन स्नाइपर मैंने देखा है सब चला लेते हो, पेन से भी कड़क चला नहीं इनके बारे में क्या कहना ये TNT टाइटन के बारे में बताइए, मुझे नहीं पता, मैं भी ज़्यादा खेला नहीं इनके साथ, तू प्रो प्ले रही है तो मतलब हम लोग को इन्होंने ही सिखाया, हम लोग जब स्टार्टिंग में थे तब ये बहुत खेलते थे तो इन्हें, ये आपके गुरु है पहले गुरु भी बोल सकते हैं मतलब टिप्स दिए हैं कि ऐसा ऐसा करने का स्टार्टिंग में महाकाल को, हम मेरे को। वो बंदे कहाँ गए? वो कार से चले गए शायद, चले गए रोहित सकते को देखते हैं हमारे, चलो इनके वही दो प्रो प्लेयर है टीम में, रोहित सकते और एचके गब्बर को तो भूल ही गए, ये पहली बार स्क्वाड के साथ खेले, दो से ऊपर पहली बार बड़े, मुझे लगता है अभी ये मिस्टर एसएन को नेट से मार के ही खेलेंगे क्योंकि इनको जमता ही नहीं है ट्रायो और स्क्वाड भाई, आज नहीं तो ये और रोहित रहते तो पूरा लॉबी खाली हो गई होती, नाम देख के खाली हो जाते लोग, देखो सिक्सेस लगा लेजर स्प्रे देंगे अभी एकदम।
निश्चित से बंदे मारे। लूट तो कड़क है इनके पास, लेवल 3 बैकपैक है, लेवल 2 का हेलमेट, लेवल 3 का वेस्ट, 3 बैंडेज में, बस अभी बंदे ढूंढ रहे हैं। एक अंडरलाइन भी है अमाकाल का पीछे ये जो कभी मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे क्योंकि अमाकाल मुझे गाली मारेंगे फिर। शायद फाइट हो गया एचके वाले की फिर से नंबर के साथ फाइट। महाकाल को नॉक सिर्फ खलना है देना चाहिए पहले रिवाइव और पीछे वाले को फिनिश करना चाहिए। अब मुझे लगता है सबको रिवाइव करना चाहिए आराम से और फिर पुश करना चाहिए। मॉर्टल थोड़े मुश्किल में लग रहे हैं मेरे को क्योंकि इनका एक बंदा वो रिवाइव तो नहीं हो सकता। हाँ नेड यहाँ पे किया, अगर अच्छा नेड होगा तो एक दो बंदे नॉक कर सकता है। अरे भाई कड़क ने टाइटन, अब यहाँ पे खलनायक को देखना होगा, बचाना होगा। पूरा खलनायक पे है, पूरे मॉर्टल की जिम्मेदारी खलनायक। खलनायक और महाकाल भी है। रिवाइव देना चाहिए इस टाइम, मेरे शायद रिवाइव करने का ट्राई कर रहे हो। नहीं महाकाल दे देंगे बैकअप, खलनायक। हाँ वो तो है लेकिन खलनायक देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये नेड अगर फट गया तो दो फटेंगे कम से कम। महाकाल ने देख लिया खलनायक, अरे कड़क खलनायक क्या कर रहे हो भाई। अरे यार महाकाल पीछे से आए, महाकाल इसको ले सकते हैं शायद। लेकिन देख रहे हो मॉडल फिनिश नहीं कर रहा, को आगे नहीं जाना चाहिए था पहले रिवाइव। लेकिन देखते हैं मॉडल भाई कड़क है। अरे भाई निकाल दिया पूरा, वे 10 एचपी पे निकाल दिया और स्नाइट को भी बचा लिया। कड़क मारा भाई ये, यहाँ पे महाकाल ने गलती की, गलती की, पहले रिवाइव देना चाहिए था टाइटन को। और खलनायक भी वहाँ पे ले सकते थे थोड़ा स्प्रे गन, कोई नहीं भाई। लेकिन मॉडल कड़क निकाला भाई, तो है ही प्लेयर बेचारे के दो प्लेयर चले गए। कोई नहीं कोई नहीं, और बंदे ने पहले फिनिश नहीं किया, पहले आराम से महाकाल को मारा। कड़क भाई वेल प्लेड, किसी ने लूट लिया ड्रॉप, शायद इन लोग नहीं लूटा इनके पास होगा तो। फिलहाल तो बहुत बड़ा जोन बंदे काफी कम है। हाँ आज थोड़े रूम में बंदे भी कम आए थे, संडे को नहीं आता कोई ज्यादा। कर दिया ये हमारी प्रो स्क्वाड टीम, प्रो स्क्वाड बोल सकते हैं, प्रोवेस्ट ऑफ प्रो है ये। और ये हमारे गॉड ऑफ पबजी एचके का पर गार्ड ड्राइव कर नहीं मिस्टर एसएन कर रहे हैं। मिस्टर एसएन का स्क्वाड नहीं आया शायद, ये गब्बर ड्रॉप लेने ले बोल रहे होंगे, इनको ड्रॉप चाहिए होगा। इनके पास ओम आ गए तो ओम फिक्के मारते हो पब्जी को। नहीं वो रोहित चलाते हैं ओम, बहुत तगड़ा चलाते हैं, देखना है वही देखता है इनको, इसलिए ओम के भूख में जा रहे रहेंगे ये। गार्डन्स के भी सारे बंदे जिंदे है ना, ड्रॉप तो लूटा हुआ है लेकिन लोड नहीं हुआ क्या मालूम। नहीं नहीं लूटेड है, लूटेड है, नहीं लोड नहीं हुआ अपने में, वो क्या लूट रहा है। रोहित ने डॉप लूट लिया, फिलहाल तो हर फाइट हो रही है। वॉरियर वाले हैं, नहीं नहीं कोई तो हाँ है वॉरियर वाले, टीम 30 हाँ 30 है, प्लैनेट वालों के साथ हो रही है। वो बंदे के पास प्लैनेट वालों की हाइपर और वॉरियर वालों से, वॉरियर के सारे थोड़े दूर दूर थे बंदे। ये प्लैनेट वालों की सेकंड फाइट है, हाँ शायद सेकंड फाइट है। उन्होंने एक स्क्वाड पहले के ऊपर है, उन्होंने पोचिंग की मैचिंग की वालों को निकाला था, एचके वाले वीआईपी वाले। अरे कड़क भाई कड़क स्प्रे था, ये स्प्रे था, इसको बोलते हैं स्प्रे। अब ये भाई रिवाइव तो नहीं करने देंगे, अरे कड़क नेट से फिनिश कर दिया। अरे वॉरियर्स का ही नहीं, अच्छा खुद के बंदे को फिर फिनिश, वो नेट डाल रहे थे नहीं खुद नहीं खुद के नेट से। अच्छा वो अच्छा उसने नेट नॉक होने का नेट नेट पहले कुक कर दिया होगा, ड्रॉप हो गया नेट। वो उनके तीन बंदे ही थे, अभी दो ही बचे, एक ऊपर चढ़ा है। यहाँ पे ये ओवरऑल थोड़ा डिफिकल्ट है अभी उनको सिचुएशन, क्योंकि प्लेनेट के चारों और चारों बंदे अच्छे, एक बंदा शायद नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं करता, थोड़ा सा डैमेज दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी ये स्पॉटेड हो गए, एक और बंदे ने उनको डैमेज दिया प्लेनेट के एक बंदे को। इनको आदि हाइपर आदि को थोड़ा पोजीशन, हाँ पोजीशन चेंज करने, क्योंकि अभी वो स्पॉटेड है ये और नेड आ सकता है।
वॉरियर निक तो रूफ से कड़क ले रहे, मतलब परेशान कर दिया है दोनों को। प्लैनेट आदि को आप आइसरा जी से जान पे थोड़ा सा जगह चेंज करें ना, थोड़ा फायदा होगा अपन को। उनका एक और बंदा डैमेज तो दे रहा है उनको, शायद प्लैनेट के बंदे यहाँ पे आ गए, उनको घेर लिया शायद। अरे भाई दो बंदों ने कवर कर, उनको बैकअप कवर फायर अच्छा आ गया, अब तो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। इनका एक बंदा भी नहीं गया ऊपर, इसने बंदे ने एक को नॉक कर दिया होगा। कोई नहीं, 4v1 करना काफ़ी डिफिकल्ट है। प्लैनेट वाले ने दो फाइट निकाल ली, दो फाइट निकाले और किल टीम के लिए सात, हाँ सात किलो का, हाँ दो स्क्वाड निकाला हमने। अब थोड़ा जोन छोटा हुआ है, शायद ये जोन में ही फाइट तो नहीं होगी अगर कोई रश नहीं किया किसी ने। ब्लैक वाले को देखते हैं, ब्लैक वालों ने अब तक एंगेज नहीं किया किसी। हाँ उन्होंने अच्छा किया था, पोचिंग की से पहले निकल गए थे और इनके पास अभी लूट परफेक्ट। हाँ लूट तो काफ़ी ठीक है, दिख तो रही है ठीक ठाक लूट। पेन किलर ड्रिंक विंक सब लेके तैयार है बट ये कभी कभी काफ़ी सही होता है। अब चार पाँच स्क्वाड उतरी है पता नहीं, आप जैसे एच के वाले थर्ड पार्टी हो गए तो फॉल बैक करना कभी कभी काफ़ी सही स्ट्रैटेजी होती है। अब तो यार गब्बर भी जिंदा है, गार्डियंस वाले भी जिंदा है, देखते हैं इनमें से कोई जीतता है कि नहीं। मुझे लगता है दोनों में फाइट होगी, इनके भी तीन के लिए एक स्क्वाड वाइप किया। हाँ इन्होंने एनओसी वाले को निकाला था, टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ आज इनका। देखते हैं चिकन डिनर निकाल पाते हैं नहीं। मॉर्टल ने जो निकाला है भाई कड़क निकाला भाई, उधर महाकाल खलनायक को जो मारा है, खलनायक को और महाकाल को एक साथ जाना चाहिए। हाँ। हम लोग एक एक करके गए, चलिए गलती किया हम लोगों ने। या तो महाकाल को बाद में ना ये गए। हाँ, टाइटन को रिवाइव दे के जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक बंदा इनका दूसरा बंदा तो रिवाइव नहीं हो पाता भाई, एक HP पे मारा भाई उसने, 10 HP पे दोनों को लिया। ये इनकी फाइट लगता है फिर से मॉडल के साथ होने वाली है, ये रियल मॉडल तो नहीं है ना भाई। नॉट किया रोहन ने, गाड़ी अब अच्छे से रोकना चाहिए नहीं तो गाड़ी फूट जाएगी। बिल्कुल मॉर्टल वालों को डिसएडवांटेज है। हाँ, कि दो ही बंदे और ये पूरा स्क्वाड है। हाँ। ये लिखते ये फाइट लेंगे या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। इन लोग शायद जोन में जा रहे हैं पहले, इनको पहले जोन प्रीफर करना चाहिए था। भाई इनके पास भी लूट तो काफी सबके पास सही है, गन बिन तो है सबके पास अच्छी खासी, बहुत दूर है। यहाँ पे इन प्लैनेट वाले भी क्लोजिंग कर रहे हैं गाड़ी से, लेकिन वो ये इनके पास तो नहीं आएंगे कि जोन के बाहर। मुझे लेकिन गब्बर के साथ फाइट होगी शायद, और ये गब्बर नॉक पड़ गए, खत्म टीम ही खत्म। अरे यार गब्बर मर और गया। पीछे से चार नंबर को कर जाना चाहिए था थर्ड पार्टी, अब तक ये अपने गार्डियन वालों को शॉट्स तो दे रहे। हाँ भाई दूर से शॉट दे रहे, लेकिन हमने गब्बर की मौत नहीं देख पाए यार। प्लैनेट वालों से लास्ट परसों के मैच में भी प्लैनेट वालों ने मारा गब्बर। अच्छा गब्बर ने टीका ले रखा है फ्री किल देने के। कोई नहीं प्लैनेट वालों से हम लोग का कुछ तो सेटिंग तुम्हारे हाथ में बेचारे मिस्टर एसएन और रोहित सक्के को भी लेके मारे, वही खुद तो मारे दूसरे को भी लेके मारे। शायद गार्डियन का ये बंदा रोज अकेला खेलता, लास्ट टाइम ये शायद हमेशा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता है। सैल्यूट कर रहे बंदे, अच्छा सलामी ठोकते। अरे ड्रॉप लूटा हुआ इन्होंने, हाँ इनके सब कुछ अच्छा है, लूट तो काफी सही है, सब लेवल 3 का, सब गियर लेवल 3 बैकपैक पकड़ के। देखते अब सोलो से स्क्वाड कर पाते हैं नहीं, करेंगे तो बहुत मजा आएगा भाई, मजा आ जाएगा देखने के लिए। गार्डन वाले इनको जोन में जहाँ सही सुन ली बात सुन ली, थोड़ा लेट सुनते लेकिन सुन लेते हैं। प्लैनेट वाले ने कड़क निकाली आज, मुझे लगता है ये विनर है। प्लैनेट वाले 9 किल ऑलरेडी है इनके और पूरा स्क्वाड जिंदा है। ये प्लैनेट आज के शायद MVP होंगे, देखते हैं फिलहाल।
कुछ भी हो सकता है, आसपास तो है, मॉर्टल के तीन किल है उनके यहाँ सेकंड, बट इनको एक ही प्रॉब्लम है कि वही दो ही बंदे नहीं, गाड़ी नहीं है क्या कोई, और ये थर्ड पार्टी, ये कड़क भाई कड़क स्प्रे दिया था, एक एचपी कर दिया था, ये इनको भी जोन का डैमेज देगा, ये वाला अभी डैमेज पड़ेगा इनको, ये लेजेंड शायद जोन से ही नॉक हो जाएंगे, मुझे लगा ही था लेजेंड, ये अगर अच्छा नेट डाल दिया ना खत्म दोनों, ये सही, अरे भाई कड़क इसको बोलते हैं, बंदा कड़ा खेल रहा है यार, गार्डन के ग्रुप नॉक हुए, एक ही जैक में एक अच्छा नहीं, जोड़ो कड़क लिया भाई गार्डन वाले, पूरा खत्म निकाल गया गार्डन वाले भी, निकाल एक बंदा दे दिख नहीं रहा मेरे को कहीं, उनका टीम नंबर 5 का एक बंदा की जो नॉक पड़े हुए थे, यहाँ से एक बंदा भी स्पॉटेड है तो घूम के जाना चाहिए किसी गरड़े वालों को, ये ड्रैग्स क्या ऊपर में सामने सोए, नहीं उनको नहीं स्पॉट हो जाएंगे एक्चुअली, हाँ थोड़ा रीच भी है और थोड़ा ऊपर नीचे हुए थोड़ा, अभी ये देखो नेट डाल के ग्रुप को खत्म कर देना, वो ठीक है वो तो मर जाएगा आई गेस, ग्रुप यहाँ पे सही कर रहे थोड़ा, इनको जोन में भी तो जाना है, हाँ यार ये तो सबसे सही करना चाहिए जोन चलने, क्योंकि गाड़ी भी नहीं आ गई इनके पास, लेकिन मुझे लग रहा है बंदे को मार के ही जाएंगे, चलो किल तो कंफर्म कर लिया लोगों ने, अरे मार दम और चला कुछ क्लियर है, ड्रैग्स के पास हीलिंग नहीं आई गेस, तो कर लियो तब तक, अब तो चार बंदे घुसना चाहिए कार 90 का कड़क शॉट दे दीजिए, मॉडल बेचारे जोन से, हां मॉडल, लेकिन मॉडल ने कड़क निकाला भाई, मादा बग डैमेज दौड़ा मनुए, अब प्लेनेट वाले ही मुझे लग रहा निकाल देंगे, मार पे मारे जा रहे सबको, अब तो घुस जाएंगे, एक ही बंदा है ऑलरेडी, एक बंदा घुस चुका है उनका, वैसे नेट कर सकते तो और अच्छा होता, चल अब तो नहीं वो एक बंदा बहुत वो नॉक को ही मारना नहीं, फिनिश चल भाई, हाँ वो पहले नॉक वाले सारे आ गए थे ना, कोई नहीं प्लेनेट वाले ने कड़क निकाला भाई, एक बंदा ही वो भी रिवाइव मिल जाएगा उसको, और आजू बाजू कोई है भी नहीं तो थर्ड पार्टी का भी कोई चांस नहीं है, स्नाइड उधर है, अकेला बंदा लोन सर्वाइवर है फिलहाल तो जोन में है, वो भी तीन ही स्क्वाड बचे हैं, गार्डन का फुल स्क्वाड है और प्लैनेट वालों का फुल स्क्वाड, अब मुझे लग रहा है प्लैनेट निकाल जाएगा क्योंकि ये जोन का डैमेज पड़ रहा है इनको, ये क्या कर रहे हैं जोन के बाद, नहीं वो फाइट ली थी ना इन्होंने, वो अगर वो अकेला बंदा निकाल गया ना देखने में मजा आएगा वे पैसा वसूल हो जाएगा, सब पैसा लगाएंगे स्नाइड ना, कैपेबिलिटी तो है भाई, मैंने लास्ट गेम में देखा है बंदे स्नाइड मॉर्टल पैका, मॉर्टल अगर जिंदा रहता ना तो इनके पास चांसेस बहुत रहते, बंदे ने अकेले भाई निकाला था, तो प्लेनेट वालों का आएगा लास्ट तक रहते ही, हाँ प्लेनेट कुछ भी हो जाए लास्ट में, ये की तो हर स्टार्टिंग से ही दिखे बंदे, हर बहुत फाइट लिया उन्होंने, आज फुल स्क्वाड दिख रहा है, मतलब एक ना एक दो बंदे रहते ही है लास्ट तक, वो टॉप 3 में उनका रहना ही है, लेकिन लास्ट ने गार्डन को नॉक किया है, लेकिन एक बात बताऊं लास्ट दो गेम से ये सेकंड आ रहे हैं, आज लगता है बदला पूरा करके जाएंगे फर्स्ट आने का, ये ओपन में वेकेंड लोग ने गलती किया ना, या तो गाड़ी का ही कवर कर लिए थे इन्होंने, एक और बंदा भाई, ये बंदा जो कार 90 चला रहा ना, इन्होंने गार्डन वालों ने बहुत बड़ी गलती की कि ओपन में रुके, तीन बंदे नॉक, सिर्फ एक ही बंदा बचा है ग्रुप, इसको पहले तो स्मोक डालो, या तो इनको पहले गाड़ियों के कवर कर लेने चाहिए, मुझे नहीं लगता प्लेनेट वालों को भी रश भी कर सकते, इनको पता है दो ही चार बंदे तो इधर ही हो गए, उनको तीन तो नॉक किया, हाँ उनको पता है चार बंदे इधर, मतलब पूरे बंदे इधर फिनिश कर दिया एक बंदे को जोन से, मतलब मैं बोला ना देखो कड़क स्टार्ट है, जिनको पता रहना चाहिए बंदे इधर ही है, घुस घुस के मार रहे हैं, अभी लूट कर क्या रहे, ग्रुप कंफ्यूज हो गए, अपने बंदे को डैमेज देने लगे, पीछे से भी आया, बेचारे ग्रुप भी कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन कड़क ये स्ट्रैटेजी मेरे को लगा ना कड़क लगा, जब पता होना चाहिए कि चार बंदे इधर ही है, अभी 1v4 सिचुएशन है, अब ये अगर निकाल आ रहा है मजा आ रहा है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम क्या है, प्लेनेट वालों को पता है कि एक ही बंदा जिंदा है, देखो ये प्रॉब्लम हो गया, स्पॉट हो गया और कवर भी नहीं है उनके पास, ये अभी गाड़ी दे उनके और ले लेके रश करेंगे शायद नाइट पे,
आज के विनर प्लेनेट वाले मैंने जैसे कहा अब तो मोस्टली मुझे भी लग रहा है लेकिन कड़क निकाला उन्होंने हर फाइट सही निकाली स्नाइड ने भी कड़क निकाला अकेले ने वो मॉडल होता तो थोड़ा यहाँ पे इनको फायदा होता है अरे तो जून का भी डैमेज पड़ने लगा मैं बैन से मारा प्लेनेट वाले तो बहुत गलत कर रहे यार चलो ठीक है कोई नहीं मजा कोई नहीं भाई वेल प्लेड लेकिन स्नाइड भाई तुम लोगों ने भी कड़क खेला प्लेनेट वालों के इस मैच में 17-19 किल कड़क तो आज तो आप डिजर्व करते थे ग्रेडिन वाले ने भी कड़क खेला कड़क खेला आज कड़क मजा आया थैंक यू सो मच चलो गाइस निकलते हैं और ये हम लोग कस्टम प्रैक्टिस रूम कल से बैक टू बैक रखने वाले अच्छा डेली हाँ हम सोच रहे डेली आप लोग तो प्लीज ज्वाइन करना चालू ही नहीं किया ठीक है चलो